गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ अ स्टोरी. सी हियर द पिक्चर्स आर गिवन, वी आर गोइंग टू डू सीइंग द पिक्चर्स एंड दिस वर्ड्स आर गिवन, वी हैव टू फिल अप दिस वर्ड्स इन दिस ब्लैंक्स. फर्स्ट राइट डाउन क्लास वर्क डेट 7/1/2021. ओके, दिस यू हैव टू डू इन पेज नंबर 78. ओके, लेसन नंबर 10, द लास्ट पेज ऑफ लेसन नंबर 10. फर्स्ट सी वील रीड द वर्ड्स. water, वाटर, water, वाटर यानी पानी. thirsty, थर्स्टी. थर्स्टी मतलब जब प्यास लगती है ना तब हम बोलते हैं कि आई फील थर्स्टी. thirsty, थर्स्टी. picks, पिक्स. पिक्स यानी किसी चीज को जब हम उठाते हैं उसको बोलते हैं पिक्स. happy, हैप्पी मतलब खुश होना. stones, स्टोन्स मतलब छोटे पत्थर को हम स्टोन्स बोलते हैं. top, टॉप यानी ऊपर का जो लेवल होता है उसे हम बोलते हैं टॉप. drinks, ड्रिंक्स यानी किसी चीज़ को पीना. pot, पॉट, पॉट मतलब मटका. देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, ये थर्स्टी क्रो वाले पिक्चर्स हैं स्टोरी के, तो ये हमें पिक्चर्स हेल्पफुल होंगे ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए. ओके, फर्स्ट पिक्चर में क्रो देखो उड़ते हुए पॉट के पास आता है, वो बहुत ही प्यासा है यानी थर्स्टी है. अ क्रो, crow, क्रो इज वेरी थर्स्टी. क्रो मतलब कौवा. अ क्रो इज वेरी यानी बहुत. very, वेरी थर्स्टी हम क्या लिखेंगे. thirsty, थर्स्टी. thirsty, थर्स्टी. नंबर टू, ही फाइंड्स. finds, फाइंड्स मतलब ढूंढना. अ ही फाइंड्स अ पॉट, उसे क्या मिलता है. पॉट मटका. pot, पॉट. यू विल राइट नंबर टू. ही फाइंड्स अ पॉट, उसे एक मटका मिलता है. द पॉट हैज़ वेरी लिटल. thee, द pot, पॉट. hass, very, वेरी little. लिटल. द पॉट हैज़ वेरी लिटल. पॉट में देखो बहुत ही कम वाटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे water. वाटर. देखो ये बहुत ही कम वाटर है, वो उसकी चोंच उसमें नहीं डूबेगी, वो पी नहीं पाएगा, इसलिए वाटर यहाँ पे फिल करना है. नंबर थ्री, द क्रो फाइंड्स अ पाइल ऑफ स्टोन्स. देखो मटके के पास स्टोन्स पड़े हैं. द क्रो crow क्रो फाइंड्स finds फाइंड्स अ पाइल pile. पाइल मतलब स्टोन्स के जो देखो यहाँ पे ढक पड़ा हुआ है बहुत सारे, उसको इंग्लिश में पाइल बोलते हैं. पाइल ऑफ स्टोन्स यानी छोटे पत्थर. नियर द पॉट, पॉट के पास ये देखो स्टोन्स पड़े हुए हैं. near, नियर द पॉट, पॉट के पास पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए हैं. ही थिंक्स ऑफ अ प्लान. thinks थिंक्स यानी सोचता है. ऑफ अ प्लान plan, प्लान. वो एक प्लान सोचता है कि मैं क्या करूँ जिससे पानी मटके का ऊपर आने लगे. तो वो पास में क्या देखता है, स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स पड़े हुए हैं. ही पिक्स picks, ही पिक्स. नंबर सिक्स, फाइव में कोई ब्लैंक नहीं है. ही पिक्स अप up द स्टोन्स वन by वन. one, by by one, एंड puts 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 them 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 in the pot pot पॉट. वो छोटे छोटे स्टोन्स जो है उसको उठा के देखो मटके में डाल रहा है. ही पिक्स अप द स्टोन्स एंड पुट them in the pot one by one, यानी एक एक करके मटके में वो स्टोन्स डाल रहा है जिससे पानी देखो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है ना. soon, 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 कॉमा है. soon the water comes up to the top, 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 top के पास लिखेंगे. नंबर सेवन, soon यानी जल्दी.
द वॉटर यानी पानी कम्स सी ओ एम ई एस कम्स अप टू यू पी अप टू द टॉप यानी पानी धीरे धीरे करके देखो पिक्चर में दिया हुआ है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। देखो ये स्टोन्स जैसे ही उसने डाले पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तक आने लगा और मटका का पानी ऊपर आ गया। द क्रो अब वो ड्रिंक कर सकता है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे डी आर आई एन के एस द क्रो ड्रिंक्स डी आर आई एन के एस ड्रिंक्स द वॉटर वो पानी पीता है। जैसे ही पानी मटके का ऊपर लेवल तक आ गया तो पानी उसने पिया। द क्रो ड्रिंक्स द वॉटर ही इज वेरी हैप्पी वो अब खुश है कि उसने पानी पी लिया है। नंबर 9 ही इज वेरी हैप्पी यानी बहुत ही खुश है कि उसको पानी पीने को मिल गया है। यू हैव कम्प्लीटेड द स्टोरी हम लोगों ने ब्लैंक से कम्प्लीट कर लिया स्टोरी को। नाउ रीड इट अब मैं फिर से रीड कर रही हूँ। अ क्रो इज वेरी थर्स्टी ही फाइंड्स अ पॉट द पॉट हैज वेरी लिटल वाटर द क्रो फाइंड्स अ पाइल ऑफ स्टोन्स नियर द पॉट ही थिंक्स ऑफ अ प्लान ही पिक्स अप द स्टोन्स वन बाय वन एंड पुट्स देम इन द पॉट सून द वाटर कम्स अप टू द टॉप द क्रो ड्रिंक्स द वाटर ही इज वेरी हैप्पी। ये आप रीडिंग करते हुए हमें एक वीडियो भेजोगे ओके। ये आपकी एक एक्टिविटी है ये स्टोरी आप रीड पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लोगे फिर ये स्टोरी रीड करते हुए हमें वीडियो भेजना है ओके। ये एक एक्टिविटी है आपकी फिर लास्ट में हमें ये स्टोरी का नेम लिखने ऑल्सो गिव अ नेम टू योर स्टोरी तो स्टोरी का नेम होगा द थर्स्टी टी एच आई आर एस टी वाई थर्स्टी क्रो ओके। ये आपकी स्टोरी का नेम है ये स्टोरी आप रीड करते पिक्चर दिखाते हुए हमें वीडियो भेजोगे ये आपकी एक्टिविटी है आज की ओके। गुड बाय।